जम्मू एंड कश्मीर में व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम मिलने के बाद अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इंडिया के लिथियम रिजर्व पर पड़ चुकी है, क्योंकि ये है ही इतनी बड़ी बात। तभी तो जीएसआई की इस ऐतिहासिक अनाउंसमेंट के दूसरे दिन ही अमेरिका ने अपने एनर्जी ऑफिशियल को इंडिया भेज दिया। क्या लगता है क्यों? स्टे ट्यून, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे और ये भी कि क्या पूरी दुनिया की नजर इस रिजर्व पर पड़ना इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है या बुरी। हेलो क्यूरियस व्यूअर्स, मेरा नाम है कृष्णा और जीएनके के रियासो डिस्ट्रिक्ट में 34 ट्रिलियन डॉलर्स का लिथियम मिल चुका है। और क्या आपको पता है कि ये लिथियम बेस्ट क्वालिटी का है और 59 लाख टन्स का है, जो कि चाइना से भी बहुत ज्यादा है। और यकीन मानो, ये एक ऐसा जैकपॉट है जो इंडिया के विश्व गुरु बनने की जर्नी को बहुत आसान बना सकता है। अब देखो, यूएसए में जो कुछ मेजर कंपनीज है जैसे टेस्ला मोटर, वो मेनली लिथियम के इंपोर्ट पर ही डिपेंड करती हैं। और यूएसए में हर साल लिथियम की डिमांड 69% से बढ़ती जा रही है, चाहे वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हो या फिर स्मार्टफोन के लिए। अब दोस्तों, दिक्कत ये है कि यूएसए चाइना से भी लिथियम बैटरीज को इंपोर्ट करता है और इसीलिए यूएसए 2030 तक बैटरीज के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जिस वजह से नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर लिथियम बैटरीज को भी लॉन्च किया गया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए को अपने इंपोर्ट्स को काफी हद तक कम करना होगा और सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा, जिसके लिए उसे लिथियम के सोर्स की जरूरत है। और हाँ, यहाँ आप सही सोच रहे हो कि इंडिया में मिले लिथियम रिसोर्स यूएसए के लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और शायद ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से यूएसआई ने दूसरे दिन ही अपने एनर्जी ऑफिशियल जॉफ्री आर पैट को इंडिया भेज दिया, जिनका शेड्यूल मुंबई में 13 से 17 फरवरी के बीच में सभी बड़े लीडर से मिलने का था और फाइनली दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने का। हालांकि कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इस लिथियम रिजर्व को लेकर भी कोई डील करने की कोशिश जरूर की गई होगी। लिथियम की डिमांड आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका हाईली रिएक्टिव होना, लाइट वेट होना और लो सेल्फ चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज की तरह यूज होने के लिए ये एक परफेक्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये लाइट वेट भी होता है। और ये हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर, राइट? इस वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और क्या आपको पता है कि इंडिया को लिथियम बैटरीज पाने के लिए चाइना से 8,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करना पड़ता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन सोचो, अगर हम इस लिथियम को एक्सट्रैक्ट करके इससे बैटरीज बनाते हैं, तो इस चाइना को जाने वाले इतने बड़े अमाउंट को हम कट करके कहीं और यूज कर सकते हैं। और ये सारी तो मिनिमम एस्टिमेशंस थी कि ये सब तो होना ही होना है और मैक्स कुछ भी हो सकता है, दैट वी डोंट नो। बट हमें इतना जरूर पता है कि लिथियम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरीज आज ज्यादातर हर टेक में यूज होती हैं। और इस लिथियम के बेसिस पर नए नए इन्वेंशंस भी हो सकते हैं, जिसका फायदा हमें अल्टीमेटली इस रिजर्व की वजह से ही होगा। आपको क्या लगता है, इस नए जैकपॉट की वजह से इंडिया की ग्रोथ में कैसे फर्क पड़ेगा? लिखिए अपना जवाब कमेंट में, हम हर एक का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी किसी और अमेजिंग साइंस टॉपिक में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।